नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है मिष्ठान फूड्स लिमिटेड। ये स्टॉक 19.60 के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है एंड मार्केट में इसने 2.29% का डाउन मूव दिया था। मार्केट कैप है इसकी 2088 करोड़ की, प्रमोटर होल्डिंग 49.80% है, बुक वैल्यू 2.97 है, डिविडेंड यील्ड 0.01% है, फेस वैल्यू इसकी 1 है। फंडामेंटल वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए देखिए स्टॉक 50 एंड 200 डीएमए दोनों से ऊपर ट्रेड कर रहा है। 50 डीएमए से छोटू सा ही बिल्कुल ऊपर है एंड मुझे लगता है शायद ये हमें 50 डीएमए और प्राइस का डेथ क्रॉस यहाँ पे देखने को मिले क्योंकि राइट इश्यू का टाइम चल रहा है। पी देखे तो पी मीडियम से काफी नीचे है जो कि एक प्लस पॉइंट है, ये 5 ईयर्स के टाइम स्पैम पे है। सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे रिकवर करने की कोशिश कर रहा है एंड सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुए हैं। अभी चलते हैं इसके चार्ट पे। चार्ट पे देखिए, हमने लास्ट टाइम जब एनालिसिस करी थी, आई थिंक 7th को हमारी वीडियो आई थी, तो हमने बात करी थी कि यहाँ पे ये जो है राइट इशू की वजह से थोड़ा सा हमें हो सकता है कि स्टॉक नीचे जाए, यहीं पे कंसोलिडेट करे तो अच्छा था, मतलब अगर यहीं पे कंसोलिडेट करता। बट एक हमें ना न्यूज़ देखने को मिली थी, एक बार बीएससी पे चलते हैं। बीएससी पे देखिए इसका प्राइस बैंड जो है वो है 20% का एंड ये अभी एसएम लॉन्ग टर्म स्टेज 1 पे है। हो सकता है कि स्टेज चेंज हो बैच से, अभी थोड़ा नीचे जा रहा है, मुझे लगता नहीं वैसे स्टेज चेंज होगा अभी, बट फिर भी कॉन्शियस रहना पड़ेगा हमें। दूसरा, ये ना 8 तारीख को एक न्यूज़ आई थी जो मैंने यहाँ पे ओपन कर रखी है। इसमें ये न्यूज़ आई थी कि एक तो राइट इशू का टाइम चल रहा है, ऊपर से न्यूज़ आ गई कि इनके ऊपर ना कुछ चीज़ें थी जो इन्होंने फुलफिल नहीं किया है। इनके ऊपर 40.73 करोड़ का जो इनके आउटस्टैंडिंग बोरोइंग ऑफ कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2024 एज एप्लीकेबल इन करोड़, तो 40 लगभग पौने 41 करोड़ की इनके पास बोरोइंग है एंड यहाँ पे बाकी सारी चीजें दी गई हैं। एंड अगर ये शॉर्टफॉल होता है किसी केस में तो वो किसको देना है उसका बीएससी एनएमएसईआई, यहाँ पे इसको यहाँ से पेनल्टी आएगी इनको एंड एवरीथिंग, तो इनको पे करना है। तो बेसिकली अभी जो है, तो हम यहाँ पे देखें तो 9 तारीख को ना हमें हो सकता था, अगर ये न्यूज़ नहीं आती तो चांसेस ये भी हो सकते थे कि शायद ये ऊपर ही ट्रेड करता, बट फिर भी काफ़ी डाउन मूव देखा गया है इन कुछ दिनों में। प्रॉफिट बुकिंग भी देखी गई, निफ्टी भी ऊपर थी, बट यहाँ पे मुझे लगता है कि राइट इशू का ही असर है। ये जो इसका सपोर्ट है वो काफ़ी स्ट्रांग है, 19.2825 का। तो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि 19.25 के पास अगर आता है ये किसी बाई चांस तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा बाइंग पॉइंट होगा। बट फिर भी हमें मार्केट में देखना पड़ेगा कि किस तरीके का है एंड क्योंकि इसकी जो क्लोजिंग डेट है राइट इशू की वो 18th की है एंड अभी हमारे पास काफ़ी सारा टाइम है। आज है 13th, तो आज है सैटरडे, संडे को हो जाएगी 14th। एंड जस्ट ए सेकेंड, मैं कैलेंडर खोल ही लेती हूँ सो दैट मैं आपको क्लियरली बता सकूँ। हमारे 18th को इसका मतलब हमारे पास मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे जो है वो ट्रेडिंग डे रहेगा, जब राइट इशू ट्रेड कर रहा होगा 18th को इसकी क्लोजिंग है, तो 18th के बाद ये नहीं कर पाएगा। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये यहाँ पे अगर होल्ड बना ले तो बहुत अच्छी बात रहेगी। अगर इसे नीचे और ये जाता है तो रिवर्सल में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, यहाँ पे वो रहता तो और भी ज़्यादा अच्छी बात थी, बट पता ही है कि राइट इशू के टाइम पे स्टॉक नीचे जाता ही है यूजली। तो अभी के लिए एंट्री की बात करें तो एंट्री शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में यहाँ पे दोनों ही एंट्री नहीं बनाऊंगी क्योंकि अभी मुझे लगता है कि स्टॉक थोड़ा सा जा सकता है राइट इशू क्लोजिंग में। अभी काफ़ी दिन है, 5 ट्रेडिंग डेज हैं क्योंकि 18th को क्लोजिंग है, तो 18th को भी ट्रेड होगा राइट। तो 18th के बाद मुझे लगता है कि इस स्टॉक में कुछ स्टेबिलिटी देखी जा सकती है, एंट्री पॉइंट से भी देखा जा सकता है। तब तक के लिए तो मैं होती तो मैं यहाँ पे ना एंट्री बनाती ना एग्जिट, कुछ मैं कुछ मतलब हाँ, शॉर्ट टर्म का अगर मैंने एंट्री बनाई होती तो राइट इशू का वो सारा जो होता है फॉर्मेलिटीज वो सारा कुछ करके मुझे लगता है कि मैं एग्जिट लेती यहाँ से। एंड अभी के लिए फ्रेश एंट्री तो बिल्कुल भी नहीं मुझे लगता है बनती है। ये मेरी एनालिसिस है, बाकी बाई सेल होल्ड की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। हाय, स्टार्टिंग में हमने डिस्क्लेमर दिया था कि वीडियो के एंड में कुछ न्यूज़ है,
जल्दी ही हमारे चैनल पे जहाँ पे ये आ रहा है वीडियो, यहाँ पे और भी चीज़ें आने वाली हैं, जैसे कि सो बेसिकली मैंने कुछ वीडियोस में बताया है कि हम कोर्सेज पे काम कर रहे हैं एंड कोर्सेज में काफ़ी चीज़ें आने वाली हैं, उसमें स्ट्रेटजीज रहेंगी एंड कुछ चीज़ों को डीपली हम मैं कैसे एनालाइज करती हूँ या आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं उन सारी चीज़ों को, तो उसके बारे में ना काफ़ी सारी चीज़ें रहेंगी कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हम अपना सकते हैं। तो बेसिकली मैं अभी थोड़ा छोटी सी मैंने एक चीज करने की कोशिश करी है, जो कि है बेसिकली जब मैंने 8 साल पहले यहाँ पे स्टार्ट किया था, जो सीरियसली स्टार्ट किया था मैंने यहाँ पे करना इसमें शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, तो मुझे ना बड़े सारे चैलेंजेस आए थे, जैसे कि कोई इंडिकेटर लगा है तो वो कैसे लगा है, कोई मैंने पैटर्न बनाया है तो कैसे बनाया है, एंड जैसे कि मैं अभी इसी पे चल लेती हूँ, तो अभी मैंने इसकी वीडियो बनाई है इनफैक्ट, तो ये मैंने कैसे बनाया है, ये जो है इंडिकेटर्स ये कैसे काम करते हैं, ये जो सारा कुछ है ये कैसे काम करता है, फिबोनाची कैसे काम करता है, रिट्रेसमेंट कैसे काम करता है, एंड ये सारी चीज़ें कि ये सारे पैटर्न कैसे बनाने हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि कितना कि कैसे एनालाइज करना है, तो मैं काफ़ी ब्लैंक होती थी चीज़ों को देख के, क्योंकि जो मैंने कोर्सेज ज्वाइन किए थे जहाँ से मैंने सीखा था या जिन्होंने मुझे सिखाया था, तो मैं काफ़ी ब्लैंक रहती थी चीज़ों को देख के कि क्या हो रहा है, कैसे होगा मेरे से। तो उस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने एक चीज़ करी है, मैं यहाँ पे क्योंकि जो कोर्सेज आने वाले हैं तो यहाँ पे बेसिकली फ्री में कुछ मटेरियल रहेगा, जैसे ये है हाउ टू फाइंड पेनी स्टॉक्स, है ना, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बताया है कि आप कौन से यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं ट्रेडिंग व्यू पे एंड स्क्रीनर पे कैसे देख सकते हैं। तो मैंने कुछ ऐसी वीडियोस बनाने वाली हूँ जिसपे मैंने इंडिकेटर्स क्यों हैं, कैसे लगाना है, कैसे डिलीट करना है, एक ही चार्ट में मल्टीपल इंडिकेटर्स कैसे लगाने हैं, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताया है मैंने इसमें, इन वीडियोज में बताने वाली हूँ एक एक करके, एक ही वीडियो में नहीं होगा, एक एक करके कुछ वीडियोज आने वाली हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे को बहुत सारी ईमेल्स आती हैं, मैंने अपनी ईमेल आईडी दे रखी थी, कुछ क्वेरीज हो तो आप मुझे बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेजेस आते हैं कि मैम सीखना है कैसे आप एनालाइज करते हो तो इसके बारे में सीखना है, तो उसको मैं सिंप्लीफाई करना चाहती हूँ ताकि जब आप कोर्स ज्वाइन करें यहाँ पे जो भी कोर्सेज आने वाले हैं, क्योंकि वो थोड़े से एडवांस होंगे, तो मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं वो कोर्सेज में इंडिकेटर लगाऊं कोई या कोई भी ऑसिलेटर लगाऊं, तो आप ना जीरो से स्टार्ट ना करें और आप ये ना हो कि ब्लैंक हो कि ये ऑसिलेटर क्या होता है, ये इंडिकेटर क्या होता है, या फिर मतलब कि बहुत सारे मतलब ऐसी चीजें होती हैं कि जिसको लेके कि ये लाइन क्यों लगाई है, ये अप ट्रेंड में, क्योंकि अप ट्रेंड में भी डाउन ट्रेंड देखना, उसका रिवर्सल देखना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तो आपको ना आप ब्लैंक ना हो, तो वो सारी चीज़ें एंड कैसे स्क्रीनर पे ढूंढना है, कैसे ट्रेंडी लाइन पे देखना है चीज़ें, कैसे उसका डेटा देखना है, फंडामेंटल एनालिसिस जो होती है वो कैसे करनी है, तो उसके बेसिक्स जो है ना यहाँ पे फ्री में रहेंगे। दो सेक्शन बनेंगे, एक बनेगा कैंडलस्टिक पैटर्न का, उसमें मैं थोड़ा सा कैंडलस्टिक के बारे में बताऊंगी डिटेल में, ऑफकोर्स उसमें होगा कोर्सेज में, बट कैंडलस्टिक पैटर्न्स में वैसे सोच रही हूँ कि मैं सारा यहीं पे कवर करूंगी जो फ्री में अवेलेबल रहेगा, वो रहेगा, एंड एक टूल्स का रहेगा जिसमें टूल्स में डिटेल में बताया होगा स्क्रीनर कैसे यूज करना है, ट्रेंडी लाइन कैसे यूज करना है, फिर जैसे एएसएम लिस्ट का कैसे देखना है, जो प्राइस बैंड चेंज होता है उसका कैसे देखते हैं, एंड जैसे कि ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज़ करना है उसमें, अगर आप हो सकता है कि कोई इंट्राडे कर रहे हो, तो अभी इंट्राडे पे मैं फोकस नहीं कर रही हूँ बट आने वाले टाइम में ऑफकोर्स करूँगी, तो इंट्राडे में उस पर जैसे आप फॉर एग्जांपल आप कुछ कर रहे हो एंड आपने अपना कुछ ट्रेड लिया है, तो उसके ऊपर कैसे आपको अलर्ट्स लगाने हैं, अपनी वो विश लिस्ट कैसे बनानी है, वॉच लिस्ट कैसे बनानी है, तो ये सारी चीज़ों को मैं कवर करने वाली हूँ, एंड आने वाले टाइम में कुछ हमारे एजुकेटर्स हैं जो शेयर मार्केट में कुछ कंसिडरेबल अपना टाइम दे चुके हैं, काफ़ी 8, 10, 12 साल दे चुके हैं, तो उनको भी हम लेके आने वाले हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, जिनसे उस हमें काफ़ी सारा नो हाउ जानने को मिलेगा कि क्यों कहाँ कैसे किन कौन सी गलतियां हैं जिन जो हम ना करें तो हम बच सकते हैं, किस जिससे हमारा ज़्यादा नुकसान ना हो, एंड कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारा ट्रेड हमें बेटर ट्रेड मिले, कैसे कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, कैसे ढूंढने हैं स्टॉक्स जो कि काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहे हैं एंड हो सकता है कि अब ब्रेकआउट देने वाले हों, तो वो कैसे ढूंढने हैं, तो ये सारी चीज़ें ना
मैं यहाँ पे फ्री मैं थोड़ा सा करने वाली हूँ, एंड ये बहुत सारे हमारे चैनल पे आने वाले टाइम में काफ़ी सारे हमारे प्लान्स हैं इस चैनल को लेके। एंड आने वाले टाइम में हम कुछ ऐसे एजुकेटर्स को इनवाइट भी करना चाहते हैं, एंड करने भी वाले हैं, एंड कुछ हमारे साथ कोलैब भी करने वाले हैं। एंड मैं बस ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके कि फ्री में यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मिलने वाली हैं, जो जिसके लिए बहुत सारे लोग बहुत सारे पैसे पे कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा सा आपको जो ग्राउंड वर्क है ना वो यहाँ पे मिले। बेसिक का भी रहेगा यहाँ पे, एडवांस भी रहेगा, एंड इंटरमीडिएट का भी रहेगा। तो जो एडवांस लोग हैं तो वो कमेंट सेक्शन में, जो वीडियोस बनेंगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि वो कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं। तो हो सकता है कि जो यहाँ पे बिगिनर्स हैं, जो बेसिक से ट्राई करना चाहते हैं, वो उनको थोड़ा सा समझ आए कुछ चीज़ें। इंटरमीडिएट अगर कुछ जानना चाहते होंगे तो वो बता सकते हैं कि आपको क्या जानना है, कुछ नहीं समझ आ रहा किसी चीज़ के बारे में नॉलेज चाहिए तो वो बता सकते हैं। एंड बेसिक वालों के लिए जो भी क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि हम बिल्कुल ही लेमैन लैंग्वेज में बिल्कुल ही सिंप्लीफाई करके, जितना हो सकेगा उतनी कोशिश करूंगी मैं कि बिल्कुल सिंप्लीफाई करके आपको यहाँ पे बता सकूँ वो, बिल्कुल ताकि आप जीरो से स्टार्ट ना करें जब आप कोर्सेज ज्वाइन करें, चाहे हमारे चाहे किसी के। तो क्योंकि थोड़े से एडवांस होते हैं तो हमारे करने होंगे तो हमारे कर सकते हैं, थोड़े टाइम में आने वाले हैं। किसी और के भी आप ज्वाइन करें तो आपको बेसिकली वो एक होता है ना कि होमवर्क रहेगा आपका, कि आपको चीजें समझ आएंगी क्या हो रही है। ठीक है, तो रेस्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। तो अभी वीडियोस डली नहीं है, डलने वाली है, एंड कोई अगर इस वीडियो को लेट सुन रहा है तो आप जाके चेक कर सकते हैं, हो सकता है डल चुकी हूँ अभी तक वीडियो। ठीक है, थैंक यू।